शाम की स्नैकिंग के लिए या मेहमानों के लिए बनाओ ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी आलू चाट और साथ में चटपटी चटनी। रेसिपी शुरू करने से पहले हेलो फ्रेंड्स, घर घर की रसोई में आपका स्वागत है। आलू चाट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने दो बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं। आलू को छील के बड़े बड़े पीसीज में काट लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे मैं वीडियो में काट रही हूँ ऐसे बड़े बड़े पीसेस में आलू को काट लेंगे। दोनों ही आलू ऐसे ही काट के मैंने तैयार कर लिए। अब एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम कर लेंगे और आलूओं को डीप फ्राई कर लेंगे। तो आलू को यहाँ मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें, हाई फ्लेम पे फ्राई ना करें, नहीं तो ये कच्चे ही रह जाएंगे। आलू जब थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे, तो ये आप देख सकते हैं इतने ही हमें ब्राउन करने हैं, उसके बाद इसे निकाल लेंगे। बाकी के बचे हुए आलू भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। जब तक कि सारे आलू फ्राई हो रहे हैं, एक चटनी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे एक पैन लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे आधी कटोरी चीनी। साथ ही यहाँ ले लेंगे 3/4 कटोरी पानी। चीनी जब पिघल जाएगी तो इसमें ऐड कर देंगे आमचूर पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, सौंफ पाउडर। साथ ही यहाँ ऐड कर देंगे काला नमक और सफ़ेद नमक। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे चटनी को पका लेंगे। चटनी को थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे। आलू यहाँ पे सारे फ्राई हो गए हैं। अब एक किचन टावल लेके या कोई भी कपड़ा लेके आलू के जो पीसेस फ्राई करे हैं उसे हम दबा लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं वीडियो में इस तरीके से सारे पीसेस को दबा के तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये आलू चाट की रेसिपी बहुत ही इजी है और बहुत ही क्रिस्पी आलू चाट बनके तैयार होती है। शाम की स्नैकिंग के लिए या मेहमानों के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अब सेम ऑयल में सारे आलू के पीसेस को फिर से फ्राई कर लेंगे जब तक कि ये क्रिस्पी ना हो जाए। तो ये आप मीडियम टू हाई फ्लेम पे सारे पीसेस को अच्छे से क्रिस्प होने तक फ्राई कर लें। अब यहाँ चटनी भी देख लेते हैं, तो ये भी बनके तैयार है। ये थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। आलू चाट के लिए आलू भी बनके तैयार है, बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने ही क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं। इन्हें आप फास्ट में भी बना सकते हैं। चटनी को भी एक एयर टाइट बॉक्स में स्टोर करके रख सकते हैं। इसे आप पहले ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना करें, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये चटनी अपने आप ही गाढ़ी हो जाएगी। चटनी को पोर कर देंगे आलू के ऊपर और साथ में यहाँ डाल देंगे थोड़ा सा चाट मसाला। और ये देखिए, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्पाइसी, क्रिस्पी आलू चाट बनके तैयार है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।